हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मेलिशियस प्रोग्राम डाल दें, और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए, और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नड होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नड मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट सॉरी ईवीएम यूनिट्स की बर्नड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं, सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट